वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू माई नेदर वीडियो। दिस इज मी मरियम जहीर और आज मैं आप लोगों को फूड रिव्यू देने वाली हूँ अलमेज़ान का। ये मेरा बहुत मतलब आई जस्ट लव दिस रेस्टोरेंट। लबनानी रेस्टोरेंट में से मुझे सबसे अच्छा रेस्टोरेंट लगता है। तो जिनसे मैंने चीज़ें ऑर्डर करवाई हैं वो है फतूश, ये लबनानी ट्रेडिशनल सलाद है, और साथ में मैंने मंगवाया है शवरमा, आई जस्ट लव शवरमास, और साथ में मैंने जिनसे जूसेस में मंगवाया वो है एक पोमीग्रेनेट जूस और बाकी है कॉकटेल जूस। मुझे कॉकटेल बहुत पसंद है तो मैं वही पीऊँगी। तो खुशबू कोई इतनी अच्छी आ रही है ना, मुझे भूख लग गई है तो मेरे से सफर नहीं हो रहा। आप खाती हैं तो सबसे पहले फतूश खाती हैं। इसकी शक्ल माशा बहुत प्यारी है तो इसको खोलते हैं। पहले खोलने का बगैर तो खाया नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो लेट्स ट्राई। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर टमाटोज हैं और साथ पे खीरे हैं और ऊपर ये पापड़ टाइप की कोई चीज़ है। तो ट्राई करते हैं है कैसा ये। इट्स गुड, अच्छा है। इसके अंदर लेमन जूस भी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कुछ सॉस भी है और अंदर लेमन जूस भी है, वो अलग से एक ना अच्छा सा फ्लेवर दे रहे। तो ये देखें टमाटो है, पापड़, उसको पापड़ ही बोलूंगी इन माई लैंग्वेज, और ककम्बर। खाते हैं इसको, मुंह पर पानी आ रहा है। I just love it. ये तो अच्छा पापड़ है ना, अंदर क्रंचीनेस दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं। सब कुछ अंदर परफेक्ट मैचिंग का है, मतलब सब मिलकर अच्छा सा फ्लेवर दे रहे हैं। तो अब कुछ और भी खा लेते हैं, इससे पेट नहीं भरना बस। तो फतूश को भी साइड पे करते हैं, शवरमा और कॉकटेल की तरफ चलते हैं। खुशबू इतनी कोई अच्छी आ रही है, मैंने आप लोगों को क्या कैसे मैं आप लोगों को बताऊँ। आई जस्ट लव शोरमा, मेरी फेवरेट डिशेज में से एक ही है। शोरमे का अकेले मज़ा नहीं आता, कॉकटेल मस्त होते हैं। इसको अब खोलेंगे स्टार के बगैर कैसे पीऊँगी मैं वरना। खुल गया तो शोरमा देखते हैं कैसा ये। साइज अच्छे हैं, ज़्यादा आप लोग खुले हो गए जैसे मैंने पिछले पे भी बताया था आप लोगों को। अगर आपने मेरे बर्गर पिज़्ज़ा का रिव्यू नहीं देखा, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वो जाके देखिए और लाजमी देखो। तो शोरमा के अंदर मैंने चिकन शोरमा लिया क्योंकि मुझे उनसे है ना चिकन शोरमा पसंद है, मतलब मीट शोरमा भी अच्छा होता है बट आई लाइक चिकन शोरमा, तो मैंने ये लिया। तो इसके अंदर चिकन है, फतूश में चिकन गिर गए, इट्स ओके। चिकन है अंदर, सॉसेज हैं, आलू हैं अंदर, मतलब जो भी आप लोगों को शोरमे पर चाहिए होता है वो सब कुछ मिलेगा आप लोगों को इसके अंदर से। तो टेस्ट पे देखते हैं ये कैसा। माशाल्लाह खुशबू से बहुत अच्छा है, अंदर से देखने पे भी बहुत अच्छा है। तो खा के देखते हैं। अच्छा अंदर मुझे पिकल भी नज़र आ रहे हैं। शोरमे के अंदर अगर ये ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। मुझे इसका पिकल देख के वो याद आया, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर क्लास हो रही थी, जूम मीटिंग है, तो एक बच्चा ना ये खा रहा था, ASMR दे रहा था अपनी टीचर को। A good bit of students that someone else is somewhere on the call. I may have started working again, and we found out that some of our students weren't waking up till about 2 o'clock in the afternoon. So this may still be up. तो अब ये खाते हैं, आप लोगों को भी मैं समझ देती हूँ। बिस्मिल्लाह मानी रही हूँ। फर्स्ट बाइट पे इतना मजा है, आई एम जस्ट इन लव विद द शोरमा। मुझे शोरमा के अंदर से सबसे ज्यादा मजा आता है ना वो होता है अंदर गार्लिक सॉस का फ्लेवर, वो माइंड ब्लोइंग कर देता है। जितनी अच्छी खुशबू थी उतना ही अच्छा फ्लेवर है। तो फतूश और शोरमा का तो पता चल के बहुत अच्छी है। अब इसको देखने है ये कैसा। बिस्मिल्लाह मानी रही हूँ।
बहुत टेस्टी है, एंड ऐसे बनाना का अलग फ्लेवर आया, स्ट्रॉबेरी का अलग आया, जस्ट मतलब कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, इससे आके खाना ज़रूर खाएं। तो निशान से सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मिलती हैं, पेप्सी वगैरह, लेकिन जो सा शोरमे के साथ मज़ा आता है ना, वो कॉकटेल का आता है। मेरे कहने पर एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को तफसील से दिखाती हूँ कि इस शोरमे के अंदर है क्या। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह अंदर अच्छा खासा इन्होंने ये शोरमा डाला हुआ है, और अंदर ये पिकल प्यारा सा नज़र आ रहा है। इसको देख के फिर मुझे वाली वीडियो याद आ गई है, और ये वाला बहुत अच्छा मतलब बहुत मज़ेदार है। इसके अंदर इन्होंने एक ऐसी चीज़ डाली हुई है जो अंदर लेमन का फ्लेवर देती है, और ये जो उनसे शोरमा है ना ड्राई नहीं है, इसके अंदर जो उनसे चिकन है ये जूसी है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने पहले तो उनसे शोरमे खाए हुए, इसके अंदर के तो उनसे चिकन या मीट वगैरह तो थोड़े ड्राई होते हैं। बहुत अच्छे इसके अंदर सॉसेस बहुत अच्छे हैं, वैसे नज़र नहीं आ रही क्योंकि अंदर वो डिजोल्व हो गए रोटी के अंदर। आलू भी देख लें आप लोग, ये देखें आलू, सब कुछ इसके अंदर बहुत अच्छा है। और तो उनसे इसकी प्राइस वगैरह और मैं जितना इसको नंबर दूँगी वो सारे यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएंगे। मुझे बहुत मज़ा आया इस रेस्टोरेंट के खानों का, और यहाँ से बस ये चीज़ें नहीं मिलती, यहाँ से बारबेक्यू का सामान मिलता है, सामान मतलब के भुना भुनाया मिलता है, और राइस भी मिलते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मैंने बारबेक्यू इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के गर्म गर्म खाने का मज़ा आता है, मैंने शोरमे लिया था तो मैं घर पर लेके आ गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका शोरमा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बारबेक्यू का भी यहाँ का रिव्यू दूंगी, वहाँ पर बैठ के खाऊंगी मज़े से, तो उसका भी आप लोगों को रिव्यू मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर आप लोग इसको लेट नाइट देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं आप लोगों के मुंह पे पानी आए, तो आप लोग अभी जाके खा सकते हैं क्योंकि 24 आवर्स खुला रहता है। और आप लोग मुझे खुद भी बता सकते हैं कि आप लोग कौन सी रेस्टोरेंट का रिव्यू देख सकते हैं, और रिव्यू के अलावा आप लोग कौन सी और वीडियो देख सकते हैं। तो जितना भी मैंने आप लोगों को रिव्यू दिया ये सारा आप लोगों को ऑनेस्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला हुआ, स्पॉन्सर भी मिलेगा मैं आप लोगों को इसका भी ऑनेस्टली रिव्यू दूंगी, बहुत अच्छा है, आप लोग खुद ट्राई करें। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई आप लोग उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग मेरी कोई वीडियो मिस ना करें, तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगली वीडियो पर मिलूंगी, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।